प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू? अच्छे हैं? आर यू फाइन? और एक दिन, वन मोर डे, प्रभु दिया, प्रभु को धन्यवाद। गॉड गिव अस, वी थैंक गॉड। हाथ उठा के बोले धन्यवाद। थैंक गॉड टू बी हैप्पी। ओके, वचन में जाएंगे। कितने लोग तैयार? विद द वर्ड, आर यू रेडी विद द वर्ड? व्यवस्था विवरण 28 1 से 14, 28 1 to 14, वो बहुत आशीषित वचन है। हर रोज ब्लेस्ड वर्ड्स, एवरी डे यू नीड टू डिक्लेयर एंड रीड, डिक्लेयर इट। आज हम पढ़ेंगे सातवां वाक्य, वर्स 7, 28। यहोवा ऐसा करेगा, The Lord will cause your enemies, तेरे शत्रु तो तुझ पर चढ़ाई करेगा, rise up against you, वे तुझ से हार जाएंगे, to be defeated, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, before your face, परंतु तेरे सामने से सात मार्गों से भाग जाएंगे, come out against you one way and flee before you in seven ways. Romans 8 उसका 31, Romans 8 31. अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहेंगे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? What then shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? जोर से बोलो, परमेश्वर मेरा साथ है। Say loudly, God is with me. अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? If God is with me, who can be against me? Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे? I'm listening. Praise the Lord. Praise the Lord. हमें परमेश्वर इतनी हमें आशीष से भरता है कि शैतान हार जाता है। God blesses us so much that the enemy is defeated. आपके हाथों को प्रभु आशीष करता है। God bless the work of your hands. आपके खट्टों में प्रभु आशीष करता है। God bless your storehouses. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु हमें आशीष किया ताकि हम विजयी हों। God blessed us that to be make us victorious. इसलिए सातवां वाक्य, यहोवा ऐसा करेगा। But the verse 7 says 28:7, यहोवा ऐसा करेगा, the Lord will cause your enemies, कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेगा, rise up against you, वे तुझसे हार जाएंगे, be defeated before your face, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, they shall come out and against you परंतु तेरे way, सामने से सात मार्ग से भाग जाएंगे, flee from you in seven ways. Hallelujah. Hallelujah. शत्रु एक रास्ते से आएगा पर सात रास्तों से भाग जाएंगे, the enemy may come to you in one direction but they'll flee from in seven directions. Amen. Amen. क्योंकि शत्रु आपसे डरता है। Because the enemy is afraid of you. कब आपसे डरता है? When is he afraid? जब आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं। When you know the word of God. परमेश्वर के वचनों को घोषणा करते हैं। When you decree and declare the word of God. आप डरते नहीं हैं। Then you are not scared. जब आप डरता है, वो आपको डराएगा। When you feel fearful, he will fear, make you scared more. इसलिए आपको परमेश्वर के वचन जानना जरूरी है। Therefore, it's very important that we know God's word. दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है। 2 Timothy 1:7 says. हमें क्या लिखा है? What is it written? प्रभु मुझे भय की आत्मा नहीं, God has not given me a spirit, प्रभु मुझे धैर्य सामर्थ्य और fear, प्रेम की आत्मा दी है, power, love and sound mind, power, सामर्थ्य, power, love and sound mind, प्रेम, love और सही मन दिया, sound mind, amen, ताकि हम, जब हम डरेगा शैतान डराएगा, when we are fearful the devil will make you more afraid, जब हम खड़ा रहेगा प्रभु में, प्रभु के वचन में, and your God and God's शैतान word, भाग जाए, Satan will flee. शैतान की सामना करो, वो भाग जाए. Resist the devil, he'll flee from you. कौन मेरा सामने खड़ा हो? Who can stand before जब me? जब प्रभु मेरे साथ है. And God is for me. Amen. Hallelujah. 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 मरकुस 1:24. Mark chapter 1 verse 24. मरकुस 1:24. Mark 1:24. उसने चिल्लाकर कहा, ये यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? तू यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। Saying, let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Amen. यीशु मसीह को देखकर वो क्यों बोला? And the demons saw Jesus. Why did they say that? क्योंकि वो जानता यीशु अधिकार वाला व्यक्ति। Because the demons knew that Jesus was a man of authority. यीशु कोई बात पे परेशान नहीं होते। Jesus was never worried about anything. हर परेशानी को घोषणा करते। Over every circumstances he would decree and declare. परेशानी का description नहीं करता है, परेशानी को घोषणा करते। They would not describe the situation, but they would
speak against the situation. कई बार हम परिस्थितियों को describe करते हैं. Many time we often describe the situation. जब हम परिस्थिति को describe करेंगे वो बड़ा होगा. When we describe the situation, it becomes big. पर वो परिस्थिति को हम बोलेगा उखड़ और जा समुद्र में जाए तो वो जाएगा. But when we take the circumstance and tell the circumstances move out and we fall into the sea, परिस्थिति it will happen. परिस्थिति के बारे में बोलने का नहीं, परिस्थिति को बोलने का. We don't have to speak about the situation, but we must speak to the situation. Amen. आज Amen. कौन से परिस्थिति आपको सता रही? What is that situation, circumstance that is troubling वो you? वो बीमारी है. Is that sickness? आज प्रभु आपको अधिकार दे ये बीमारी. God give me authority. उखड़ मेरे शरीर से. You sickness be uprooted from my body. जा समुद्र में. And go to the ये sea. बीमारी, ये दुष्टता. मेरे परिवार से निकल get out my family. हे लड़ाई की दुष्ट आत्मा, you spirit of quarreling and striving, निकल मेरे जीवन, get out my life. मेरा परिवार शांति का परिवार, my family is a family of peace. मेरा परमेश्वर मेरे परिवार में राज्य करता है. My Lord is reigning over my family. Amen. Amen. आपको परिस्थिति को बोलने का उखड़ और जा समुद्र. You need to speak to all your situation. Be uprooted and go to the sea. आपको परिस्थिति को बोलने मेरे घर से बाहर हो जा. Tell your circumstances, bad circumstances. Get off my family. परिस्थिति एक आत्मा आपको सताते हैं. You know every circumstance beyond that there's a demon that's troubling you. आत्मा के पास कान है, वो सुनता है. The demons have ears, they can hear you. इसलिए यीशु मसीह बोला, परमेश्वर के वचन कहता है शैतान की सामना करो वो भागेगा. Therefore the word of God says resist the devil he flee from you. Amen. पांच मरकोस 5 उसका 6 और 7. मार्क चैप्टर 5. वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him and cried out with a loud voice and said, What I have to do with you, Jesus, Son of the Most High God, I implore you by God that you do not torment me. ये जवान को जब दुष्ट आत्मा सता रहे थे उसके अंदर वाला दुष्ट आत्मा कह रहा है यीशु को देखकर. When the demons were troubling the young man, the demons within the young man was speaking to Jesus. दुष्ट आत्मा उसे जवान को तंग कर रहा तो प्रॉब्लम नहीं, पर यीशु को देखकर वो खुद प्रॉब्लम में आ गए. When the demons were troubling and tormenting the young man, they had no problem. But the moment they saw Jesus coming towards the way, they were terrified and terribly upset. यीशु के सामने कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा खड़ा ही नहीं हो सकता. Can any sickness or evil spirit stand before Jesus Christ? आपका शत्रु परमेश्वर का शत्रु है. Your enemy is God's enemy. आपका लड़ाई परमेश्वर का लड़ाई है. Your fight is God's fight. आपका विजय परमेश्वर की ओर से आया. Your victory has come from God. Amen. आपकी सामर्थ्य नहीं. Not from yours, from smartness or power. इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हर बात में मैं विजयी होगा. Therefore the word of God said, not by might, not by power, but by the Holy Spirit, I'll be victorious. Niti vachan 21 uska 31. Numbers 21 31. युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होते हैं, परंतु जय जय यहोवा से मिलता है. The horse is made ready for the battle, but the victory comes from the Lord. Amen. जितना भी चीज हम तैयार कर ले, विजय हमारा प्रभु से आता है. No matter what preparation you make, the victory properly comes from the Lord. Amen. मसीह यीशु में आपका विजय परमेश्वर के साथ एक होने से आता है. In Christ Jesus, by being one with the Lord, you get victory. इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा एक है. और हम बड़े बड़े कार्य करेंगे. Therefore I always repeat that my spirit and God's spirit can do great things. इसलिए जोर से मेरे पीछे बोले, मेरा आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है. My spirit and God's spirit is one. मैं आज हर रोज बड़े बड़े कार्य करूंगा. And today, now and always I'll do great, great things. दुष्टता की राज्य को नष्ट करूंगा और प्रभु के राज्य को लेके आऊंगा. I will destroy the wickedness kingdom and bring forth in this earth the kingdom of God. 1 Corinthians 15 uska 57. 1 Corinthians 15 verse 57. 57. One Corinthians, 1 Corinthians 15 uska 57. Thanks, Peter.
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. परमेश्वर हमको विजय देता है। It's God who gives Jesus victory. हर परीक्षा में, हर परिस्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह हमें विजय देता है। In every situation, every adversity, it is God through Jesus Christ who gives us the victory. कभी भूलना मत। Never forget that. आपका आर्मर, आपका वेपन परमेश्वर देता है। Your armor, your weapon is given by God to you. आपको ट्रेनिंग परमेश्वर दिया। God even trains you. आपका वारफेयर परमेश्वर की ओर से है। Your warfare is from God. Hallelujah. हम हारने के लिए नहीं, हम विजय होने के लिए। We are not here for be defeated, but we are here for be victorious. हार मत मानो। So never quit. प्रभु के वचन ढूंढो और जीवन में इस्तेमाल करो। You take God's appropriate word and use it in your life. हर रोज उसे घोषणा करो। Every day decree and declare. वो दोधारी तलवार है। That word in your mouth is a double-edged sword. शैतान को आगे पीछे से धुलाई करता है। Cuts the enemy both for the front and back. Ephesians 6 उसका 10 और 11। Ephesians 6, 10 and 11. एफिशियो के किताब 6 उसका 10 और 11 10 and 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में उसकी शक्ति में, प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। देयर पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। कि शैतान की युक्तियों को सामना करके खड़ा रहो। That we be able to withstand all the evil days. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, अधिकारों से है, इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Against spiritual host of wickedness in the heavenly places. हमारी लड़ाई दिखने वाला व्यक्ति नहीं। देखो, आपके घर में पति पत्नी में लड़ाई होता है, उसका बीच में दुष्ट शैतान है जो लड़ाई करता है। Our enemy, our warfare is not against a visible person, but the invisible person. For example, when you, a husband and wife, are fighting, it's a demon that stands between you to make your fight. आपको उस दुष्ट आत्मा को बाहर करना। Therefore, you need to cast the demons in between you. आपका पति शराब पीते हैं, उसके पीछे दुष्ट आत्मा उसे पिलाते हैं। If your husband is a drunkard, he drinks, then it's a demon that's behind him that's causing him to drink. वो पति को आजाद दिलाने के लिए उस दुष्ट आत्मा को बांध। Therefore, to set that husband free, you need to bind that. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू जो धरती में बांधेगा, मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। The word of God says, what you bind on earth is bound in heaven. Amen. Amen. एक दुष्ट है जो काम करता है। There is a wicked spirit that works. इसलिए योहन्नान की किताब 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, पर मैं आया तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। So John 10:10 says, the thief comes to nothing but to kill, steal and destroy, but I have come that you may have life and life in abundance. Amen. Amen. चोर कौन है? शैतान। Who is a thief? Satan. वो आप महीना भर कमाते हैं, आप ले जाके डॉक्टर या हॉस्पिटल में देते हैं, कौन किया? शैतान ने चोरी की। The whole month you laboriously work and get salary, and the end of the month there is some sickness coming and wipes off all your salary. Who does that? It's a Satan that robs your money. आप पैसा लाते, पैसा किधर जाते मालूम नहीं, खो जाता है। The money comes into your house and you don't know where the money is going. कौन है? दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। It's a evil spirit that works. इसलिए पानी लो, तेल लो, प्रार्थना करके घर में लगा और दुष्ट आत्मा को आग लगा दो। Therefore take water, take the oil, anoint it, put it all over your house and totally set that demon on fire. हफ्ता महीना में करते रहो, आपका घर आशीष पाएगा। Do it weekly, do it monthly and your house will be blessed. दुष्ट आत्मा जो बार बार आपके घर में आते, उसका आना बंद हो जाएगा। The demons that come to your house on and again, they'll stop coming. पर आप समझौता मत करो। But you shall not compromise. आप अगर शैतान की हथियार इस्तेमाल करेगा, वो भागेगा नहीं। See, if you take the weapons of Satan, utilize against him, he will not flee. शैतान की हथियार क्या है? चुगली करना। What is Satan's weapons? Gossiping. झूठ बोलना। Telling lies. झूठ का पिता है वो। He's the father of lies. आप ये सब कार्य में फंसा रहे। If you're caught up in all these things, तो शैतान आएगा कि नहीं आएगा? Will Satan come or not? पहले आपको उन बातों से आजादी पाने का। You need to get freedom from all these पुत्र things. जिसे आजाद करते वो आजाद है। Whom the son set free is free. जोर से बोलो, मैं चुगली नहीं करूंगा।
tell, I will not gossip. मैं पास्टर के विरुद्ध नहीं बोलूंगा. I will not speak against my pastor. मैं सर्वविश्वासी के विरुद्ध नहीं बोलूंगा. I will not talk about my co-believers. मैं बोलेगा तो एक दूसरे को उठाऊंगा. If I speak something from my mouth, it's lifting up somebody. I will always do good. Hallelujah. Hallelujah. दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5. 2 Corinthians 10, 3 to 5. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. शरीर के जैसे हम चलते हैं पर हमारा हथियार तलवार बंदूक AK-47 नहीं है. See, though we walk in our body and physical, the same, our weapons are not AK-47 or a sword or a shield or a spear. Amen. क्योंकि हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है. But the weapons of our warfare are not carnal. Amen. हाथों से दिखने वाले हथियार use करके हम लड़ते नहीं हैं. We don't take that physical weapons in our hand and fight Satan. पर गड़ों को ढा देने वाला परमेश्वर की द्वारा सामर्थ है जो दिखता नहीं. But it's mighty in God for pulling down all strongholds. परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है. God's strong strength. मैं बोला वो हो जाएगा. When I decree and declare, shall be done. मैं क्या बोलेगा परमेश्वर की वचन बोलेगा. What will I speak from now on? Only God's word. तब परमेश्वर की सामर्थ मेरे द्वारा कार्य करेगा. Then God's power will be manifested through me. इसलिए हम कल्पनाओं को हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठता है खंडन करते हैं. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाला सारी सोच सारी विचार उसकी हमको खंडन करने का. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Amen. परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाला हर विचार हर सोच उसको हमको खंडन करने का. Casting down every thoughts, every arguments that exalt itself against the knowledge of God. परमेश्वर की गढ़ों को मजबूत करने का. We have to make our stronghold of God strong. पर शैतान की गढ़ों को हमको नष्ट करने का ब्लास्ट करने का. जमात को मालूम है ये शैतान की है उसे नष्ट करो जला कर रख करो. When you know any thoughts or anything is coming from Satan, immediately destroy it. आपके घर में कोई शैतान की चीजें जला कर रख करो. If there's any substance, any things of the demon, please destroy it. इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठता है खंडन करते हैं. हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाते हैं. Bringing every thought into captive of the obedience of Christ, being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Amen. मसीह यीशु की अधीन में लेके आने का. We have to bring it under the obedience of Christ. Amen. Amen. वो तभी होगा जब हम वचन जान के वचन के पीछे चलेंगे. It will only happen when you know the word and walk behind the word. हर भावनाओं को हर कल्पनाओं को हर विचार को मसीह के अंदर लेके आने का. Every emotions, every imagination, we must bring it to the submission of Christ. सब कुछ मेरा मसीह है. Everything is Christ. Hallelujah. Amen. मसीह के बाहर कुछ भी नहीं. There's nothing beyond Christ. मसीह के अंदर सब कुछ है. And inside Christ is everything that I need. हमको मसीह से भरने का. We have to fill ourselves with Christ. हमको मसीह को पहन लेने का. We need to adorn ourselves with Christ. जो भी हम करेंगे मसीह जैसा करेंगे. Whatever we do, we'll do like Christ Jesus. भजन संहिता 144 उसका एक 144:1. Psalms 144:1. What brings my hand? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है मेरे हाथों को लड़ने को और युद्ध करने के लिए तैयार करता है. Amen. 144:1. Blessed be the Lord my rock who trains my hands for war and my fingers for battle. किससे लड़ने के लिए? To fight whom? शैतान से. To fight Satan. बीबी और बच्चों से नहीं. Not your wife and children. पति से नहीं. Not with your husband. दोस्त रिश्तेदारों से नहीं. Not with the relatives and friends. शैतान से लड़ने के लिए. Fight Satan. हमारा विरोधी एक ही व्यक्ति उसका नाम है शैतान. We have only one opposer, that is Satan. उसकी चाल से हम वाकिफ हैं. We are not ignorant, but we know his schemes. और उसकी चाल हम पहचानते हैं हम उस चाल में नहीं चलेंगे. We recognize his
schemes and we will not walk in his ways. सारी बातों को मसीह की अधीनता में हम लेके आए. We have to bring everything under the submission of Christ. Amen. आप नया सृष्टि हैं. You are a new creation. Hallelujah. आप मसीह यीशु में उसकी महिमा का ही कारण हैं. In Christ Jesus, you are the reason of His glory. परमेश्वर की महिमा आपके दिलों में छाप लगाया. God's glory is sealed in your heart. और परमेश्वर की महिमा आपके साथ है तो शैतान दूर से आपको देखकर जैसा यीशु को बोला आप क्यों सताने आया आपको भी बोलेगा. When God's glory is in you, the same way He saw Jesus and was terrified, and told, "Why are you coming to torment us?" Same way demons will say you, "Why are you tormenting us?" Amen. परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहना चाहिए. God's word should remain in your heart. तब आप शैतान के लिए खतरू बनता है. Then you become a great insecurity for the devil. अब फिर शैतान आपसे नहीं, वो आपसे भागेंगे. But he will not come against you, but he will go again. He will go away from you. पहला योहन्ना 2 का 14. First John 2:14. हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है जो आदि से है तुम उसे जान गए हो. हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, परमेश्वर का वचन तुम में बने रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई. 1 John 2:14 says reads for all that is no 2:14 or 3 2:14. हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि जो आदि से I have written to you fathers because you have known him who is from the beginning. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you. You have overcome the wicked one. Amen. Amen. आप दुष्ट पर विजय पाया क्योंकि वचन आपके साथ है. You have overcome the wicked one because of God's word is inside you. शैतान वचन से, यीशु के लहू से और आपकी गवाही से डरता है. Satan is afraid of you. Your testimony and the word of God that's inside you. अनुभव के तौर से चार गवाही आपके जीवन में. Through experience. चार हथियार आपके जीवन में. Do you know through experience there are four weapons in you. एक प्रभु का वचन. One is God's word. दूसरा यीशु का लहू. Second is the blood of Jesus. तीसरा यीशु का नाम. Third the name of Jesus. चौथा गवाही. Fourth is your living testimony. इसलिए जितना गवाही हो सके दो, शैतान भाग जाएंगे. Always try to give your testimony and Satan will flee. Hallelujah. चार बातें आप करते हैं, प्रभु का वचन, यीशु का लहू, यीशु का नाम और गवाही. आप बोलते रहेगा, शैतान आपके आजू बाजू में भी भटकेगा नहीं. Four things if you keep doing it, that is using the name of Jesus, the blood of Jesus, the word of Jesus and your testimony, that then you will not even surround, you will flee from you. पवित्र आत्मा आपको उठाता है ताकि शत्रु शैतान नष्ट हो जाए. Lifts you up so that Satan can be destroyed. यशायाह के किताब 54 उसका 17. Isaiah 45:17. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया गया है उनमें से कोई सफल ना होगा और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएंगे. यहोवा के दासों के यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे. यहोवा की यही वाणी है. Says no weapon formed against you can prosper. Every tongue raised in judgment we refute in the name of Jesus. Amen. आपके विरुद्ध उठने वाले हर हथियार को प्रभु नष्ट कर देंगे. Every weapon that comes against you, you can destroy. आप हर बातों में सफल होगा. You will be successful in everything. खबर जोश बोलो, आज मैं हर बातों में सफल होगा. Say loudly, I will be successful in everything. मैं नौकरी में विजय पाऊंगा. I will find victory in my job. मैं बिजनेस में उन्नति पाऊंगा. I'll find victory. मेरा परिवार आशीषित है. My family is blessed. दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 17. 2 Corinthians 3:17. प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. And we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the Lord. Amen. परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर.
इसलिए शत्रु शैतान की सारी बात नष्ट हो जाए। God's blessings are upon you, therefore all the work of the Satan will be destroyed. शैतान एक रास्ते से आएगा पर आपको देखकर सात रास्तों से भाग जाएगा। You know, those Satan may come to in one direction, but seeing you, they'll flee in seven directions. व्यवस्था विवरण 28 उसकी 8। Deuteronomy 28:8। तेरे खत्तों पर जितने काम तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। The Lord will bless you in your storehouse, in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. आप जिस काम में हाथ डाले उस काम में आप आशीष पाएंगे। Whatever your work that your hand touches, all will be blessed. यही है मसीह यीशु की आशीष मुझ में। This is the blessing of God in me. Amen. Amen. जो भी काम आप लेगा उसे भरपूरी के तौर से आप पूरा करें। Whatever work you take, you will do it in the fullness. भजन संहिता 1:3। Psalms 1:3। कितना लोग समझ रहे हैं? बोलो मैं आशीषित हूँ। Say I'm blessed. अगर प्रभु मेरे साथ है मेरा विरोधी कौन हो सकता है? If God be for me, who can be against me? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गए हैं। He shall be like a tree planted by the rivers of water. अपने ऋतु पर मैं फलता हूँ। That brings forth its fruit in season. जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। Whose leaf shall not wither. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे And whatever he does, वह सफल पाएगा। He shall prosper. जोर से बोलो मैं हर बातों में हर कामों में सफल पाऊंगा। Say in every work I will prosper. आज तक आप हर बातों में हार गए हैं। Maybe in all things you have been defeated. पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका हारने के लिए नहीं विजय होने के लिए। Today I have come to tell you that you're not for defeat, you're born to be victorious. मुझे एक हरी सुन रहा है। There's a man called Hari who is watching me. आपका नाम हरी है हरियाली है पर आपका जीवन पूरा हारा हुआ है। Your name is Hari, the full of Hariyali, of fruitfulness, but you are defeated. आज प्रभु यीशु की नजर आप पर है। God's eyes are upon you. अगर आप यीशु को स्वीकार करके आज निर्णय लेते हैं यीशु के लिए जिएगा, आज के बाद आपका जीवन हार नहीं, आज के बाद आपका जीवन विजय करने वाला। If you make a decision today to live for Jesus Christ, from then today onwards, your life will not be for defeat; it will be for Victory. Hari Yeshu Masih आपको जानता, वो आपसे बहुत प्रेम करता। Hari Jesus knows you and he loves you so much. आप अगर अपना जीवन यीशु के हाथ में देगा। If you give your life to Jesus, यीशु आपके जीवन से क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। What Jesus can do with your life, you can't even imagine. आपका उम्र 29 years हो गया। Your age is 29 years old. 29 years में जो नहीं हुआ आने वाले एक साल में प्रभु यीशु आपके लिए करेगा। What did not happen for 29 years, God will make it done for one. हरि मेरा यीशु आपसे प्रेम कर रहा है। हरि माय जीसस लव्स यू। आप मेरा मुंह से अगर आपका नाम निकला उसका मतलब यीशु आपसे प्रेम करता है। If your name has come out of my lips, that means Jesus loves you. सब ने आपको छोड़ दिया। Everyone has forsaken you. अपना कहने के लिए कोई भी नहीं। There's nobody to call your own. आप भरोसा करके कई लोगों के जीवन में कार्य किया, वो सब लोग आपको छोड़ दिया। By trusting in people, you have done lot of work for others, but they all have forsaken you. And your hope has been left on. और आज मैं बताना है। I've come to tell you. वो आशा को भरने वाला यीशु मसीह आपको बुला रहा है। Jesus who fills you with hope, he's calling you. आप अपना जीवन यीशु के हाथ में देगा, Mr. Hari, आपका जीवन बदल जाएगा। If today, if you give a life to Jesus, Mr. Hari, today God will you make you victorious. Amen. Amen. जो भी आप छुएगा आप में उसमें आशीष पाएंगे। Whatever you touch, you will find success. उत्पत्ति 29 उसका 39 उसका 23। Genesis 39:23। यूसुफ ने वंश में जो कुछ था उसमें से बंदीगर के दरोगा का कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता ही सफलता देता था। 39:23 The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's hand, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made him to prosper.
हमें परमेश्वर आपको आशीष करता है। The Lord blesses you. वो आपको उन्नति देता है। He gives you prosperity. वो आपको आशीष देता है। He blesses you. हालेलुया, आपके घर को वो आशीष करेगा। He will bless your home. एदन वाटिका के जगह आपके हर मौसम को प्रभु अभिषेक करेगा। Just like the Garden of Eden, He will all your environment will be blessed. जो श्राप धरती पे गिरा है, वो श्राप को प्रभु आपके लिए तोड़ दिया है। The curse that has fallen on this earth, that curse has been broken by Jesus in on your behalf. जो कांटे हैं, वो सारी चीज को प्रभु निकाल कर हरियाली और आपके लिए आशीष किया। The thorns that were in your life, God uprooted every one of them, bless you with fruitfulness and blessing. परमेश्वर आपको establish कर रहा है पवित्र लोक के समान। The Lord is establishing you as a holy one. Amen. ताकि लोग आपको देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। So people may look up to you and glorify God. व्यवस्था विवरण 28 उसका 9 और 10। Deuteronomy 28:9-10। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेंगे और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर तू यहोवा की कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He sworn to you. If you keep the commandments of the Lord, your God, and walk in His ways, then all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Amen. पुराने नियम में लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते तो आशीष नहीं मिलता है। आज्ञाओं का पालन करते तो प्रभु अपरंपार आशीष करते थे। In the Old Testament, whenever the Israelites would sin against God and disobey God's commandment, they would not get blessing. But as soon as they obey God's command, they would be blessed. वो शर्त, वो प्रॉमिस शर्त वाला था। That promises were with condition. पर नए नियम में अनुग्रह के समय में यीशु मसीह के द्वारा हम जब यीशु मसीह पे चलते सब कुछ हमको मिलता है। But when you come to the New Covenant or New Testament, through the grace of the Lord Jesus Christ, you get everything. मसीह यीशु हमको देश और राष्ट्र के लिए आशीष के कारण बनाता है। Jesus Christ makes us a blessing for our nations. हम मसीह यीशु में आशीषित लोग हैं। In Christ Jesus, we are blessed. Special people है भाई। We are a special treasure. Amen. कोरोना वायरस के बीच में प्रभु हमें special रखा है। In the midst of the coronavirus, God has kept us special. जब लोग डरे हुए हैं, क्या करेगा मालूम नहीं, पर हमको मालूम है मेरा प्रभु हमें special तौर से रखा है। When the people are terrified and terribly afraid, God has kept us special and peaceful. वो हमें शांति दिया। He has given us peace. वो हमें धैर्य सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। He has filled us with power, love and sound mind. निर्गमन 29 उसका 19 उसका 5 और 6। Exodus 19:5-6. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरे मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम में मेरी नीच धन ठहराएंगे। समस्त पृथ्वी में तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहराएंगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी, वे ये हैं। You have seen that what I did to the Exodus 19:5-6. Exodus 19:5-6. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure into me above all people, for all the earth is mine. Amen. And you shall be a kingdom of priests, a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. हम जब प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, हम प्रभु के लिए special हैं। When we listen to God's voice and obey Him, then we become a special treasure for Him. हर रोज प्रभु के साथ हम समय निकालते हैं, हम प्रभु के लिए special हो जाते हैं। Every day when we take time for God, we become special for God. Amen. Amen. पहला पत्रस 2 उसका 9। 1 Peter 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश है। You are a chosen generation. और राज पद अधिकारी याजकों का समाज है। A royal priesthood.
पवित्र लोग हैं, होली नेशन, परमेश्वर के नीच प्रजा हो, ओन स्पेशल पीपल, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, दैट यू मे प्रोक्लेम द प्रॉमिस, उसके गुण प्रकट करो, प्रेजेस ऑफ हिम हु हैज कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वेलस लाइट। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, फॉर वंस यू वर नॉट अ पीपल, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, बट नाउ यू आर अ पीपल ऑफ गॉड, तुम पर दया नहीं हुई थी, who has not obtained mercy, पर अब तुम पर दया हुई है, now you have obtained mercy, amen, हम चुना हुआ वंश है, we are a chosen generation, प्रभु हमें प्रॉमिस किया, God has promised us, amen, उसका प्रॉमिस हमारे लिए फैक्ट बन गया, his promises become a fact for us, सत्य बन गया, became truth for us, हम उस सत्य के लिए जिएगा, if we live for the truth, हमारा सब कुछ प्रभु आशीष करे, God bless everything of us, व्यवस्था विवरण 28 उसका 10, Deuteronomy 28:10 पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। Verse 10, then all the peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord and they shall be afraid of you। जब आप परमेश्वर के सुसमाचार ले चलेगा, when you go and take the God's gospel to सारी दुनिया में, towards the entire nations, amen, प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा उठाएगा, and you're lifting up the name of Jesus, आप उसके नाम से जाना जाएगा, and you shall be known by his name, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर के नाम से आप जाना जाएगा, you'll be known by the power of the omnipotent omnipresent God, amen, परमेश्वर के परिवार में आप बुलाया गया है, you're called to be the family of the living God, hallelujah, praise the Lord, आप एक नया सृष्टि है, you are altogether a new creation, जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, you all know that those who are in Christ Jesus are a new creation, अब यीशु मसीह का छाप बन गया, you have become the seed of the God, अब यीशु मसीह का नाम लेके फिरेंगे, you take God's name and walk around, amen, amen, आप विश्वासी के नाम से कहलाए जाएंगे, you will be called a believer, amen, amen, प्रेरितों के काम 11 उसका 26, Acts 11:26 11:26 जब वह उससे मिला तो उसने अंतिकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीह कहलाएगा When he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Amen. हम मसीह लोग कहा जाएंगे। We'll be called Christians in and always. Christians, नामदारी Christians नहीं। Not the namesake Christians. Just for namesake नहीं। But we'll be called believers. हम totally यीशु मसीह के लिए बिक चुका है। We are totally sold out for Jesus Christ. उसने अपने लहू से मुझे खरीद लिया। He has purchased me with his precious blood. मेरा कण कण में यीशु का लहू बहता है। Every part of my body. It remains, Jesus remains in that. मसीह का नाम मेरा नाम से जुड़ गया। Jesus name has been joined with my name. Amen. उसकी सामर्थ मेरे साथ है। His power is with me. उसकी अनुग्रह मेरे साथ है। His grace is with me. उसकी शांति मेरे साथ है। His peace is with me. उसकी चमत्कारी हाथ मेरे साथ है। His miraculous work is with me. Amen. उसका fullness मेरे साथ है। His fullness is with me. उसका overflowing मेरे साथ है। उसका भरपूरता मेरे साथ है हालेलुया वो सब कुछ मेरे अंदर उंडेला है यस टोटली ओवरफ्लोड एवरीथिंग इन माय हार्ट इसलिए हम हर रोज आनंदित होंगे देयरफॉर एवरी डे वी विल रिजॉइस उसका आदरणीय नाम लेके चलेंगे विल टेक हिज होली एंड ऑनरेबल स्वर के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया वो नाम है यीशु मसीह Under the heavens, above the heavens, there's one name given. The name is Jesus Christ. क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए हम बोल सकते हैं यीशु मसीह प्रभु है मैं यीशु के लिए जीऊंगा. Because in our heart we have the Holy Spirit, therefore we can say, therefore we can say. यीशु मेरा प्रभु है मैं यीशु के लिए जीऊंगा. My Lord, I live for Him. Continuously बोलिए यीशु मेरा प्रभु है मैं यीशु के लिए जीऊंगा. आपकी चमत्कार उसमें मैं यीशु यीशु मेरा प्रभु है मैं यीशु के लिए जीऊंगा. Jesus, my Lord, I live for Him. Come on, बोलिए ना मेरे साथ बोलिए यीशु मेरा प्रभु है मैं यीशु के लिए जीऊंगा. My Lord, I live for Him. यीशु मेरा प्रभु है. यीशु मेरे साथ है. यीशु मेरे अंदर है
यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, इसे ही भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आमीन। वो मेरी ताकत है, वो मेरी बल है, माय स्ट्रेंथ। क्या आपका वो सब कुछ है? इज ही योर एवरीथिंग? क्या आप घमंड से बोल सकते हैं यीशु मेरा सब कुछ है? कैन यू बोस्ट एंड से जीसस क्राइस्ट इज माय एवरीथिंग? तब लोग आपके बारे में आपकी अच्छाई को बोलने लगे। देन पीपल विल स्टार्ट सेइंग गुड अबाउट यू। लोग आपसे डरने लगे। एंड पीपल स्टार्ट फियरिंग यू। आमीन। आप लोगों के लिए गवाह बनी। यू विल बी अ टेस्टिमनी, विटनेस फॉर अदर्स। अब प्रभु आपको सबके सामने आदरणीय व्यक्ति बनाए। गॉड विल मेक यू अ हॉनरेबल पर्सन बिफोर एवरीवन। और आप प्रभु में निरंतर बढ़ते जाएंगे। एंड यू विल कीप ऑन प्रॉस्पेरिंग, इंक्रीजिंग इन गॉड। आप सिर्फ आशीषित नहीं, नॉट ओनली विल यू बी ब्लेस्ड, आपके द्वारा आपसे मिलने वाला सब आशीष पाएंगे। यू एवरीवन हु मीट्स एंड एनकाउंटर्स एंड कांटेक्ट विद यू will be blessed. आपके हर युद्ध प्रभु आपको विजय देगा। In every battle God give you victory. Amen. आप उद्धार पाए, आप आशीषित हैं। You are saved, you are blessed. आपका business आशीषित है। Your business is blessed. आपका नौकरी उन्नति पाएगा। Your job will find a prosperity. अगर आप नौकरी कर रहे हैं, promotion आपको आ रहा है। If you are doing job, let me decree and declare your promotion is coming. कभी भी हार को मत स्वीकार करो। Do not receive defeat in your life. हमेशा जीत को हासिल करो। Always take victory, success. आप जीत के लिए बनाया गया। You are made for success. Amen. Amen. Failure और lack प्रभु की ओर से नहीं है। A failure and lack is not from God. वो normal नहीं है आपके लिए। It's not normal for you. Amen. Amen. आप सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह को ले चलते हैं। The greatest name you're taking Jesus and walking. Amen. आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। You are the son and daughter of God. परमेश्वर आपको उसका ट्रेजर समझते हैं। आपका खजाना। परमेश्वर आपको खजाना समझते हैं। God is considering you as a possession, treasure. आपका पवित्र, आप पवित्र व्यक्ति हैं। You are a holy person. प्रभु आपको आदर के योग्य रखा है। God has kept you worthy of honor. आपके हर काम में आप विजय पाएंगे। In every work of yours, you will be victorious. आप वचन से भर जाएंगे। You will be filled with God's word. आप जो भी करेगा उन्नति पाएंगे। Whatever you do, you will be successful. आदर और सम्मान के योग्य रहेंगे। You are worthy of respect and honor. आज सब लोग आपको देखेंगे। All will look up to you. अनेक लोगों का सवालों को उत्तर आपके पास। You are the solution to every problem of people. क्या आप खड़े रहेंगे? Will you stand for God? जब तक मूसा हाथ उठा के रखा, इस्राएली लोग विजय पाए। As long as Moses raised up his hands, the Israelites won. उसी तरह आप अपने हाथ उठाकर किसी को आशीष करेगा, वो पक्का आशीष पाए। In the similar manner, when you raise up your hands and bless people, they definitely will be blessed. आपका विरोध कोई आ ही नहीं सकता। Nobody can come against you. अगर प्रभु मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन बन सकता? If God is for me, who can be against you? जोर से बोलो, अगर प्रभु मेरे साथ है। Say loudly and declare, God be for me, who can be against me? कौन मेरा विरोधी हो सकता? Who can be against me? व्यवस्था विवरण 28 उसका 7 से पढ़े। Deuteronomy 28:7 onwards will read. यहोवा ऐसा करेगा। The Lord will cause your enemies, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेगा, तुझ से हार जाएं, to be defeated before your face. आपका शत्रु शैतान आपसे कभी विजय नहीं हो सकता। Your enemy can never be victorious over you. जो से बोलो, शत्रु शैतान कभी विजय नहीं हो सकता। Your enemy cannot be victorious over you. सांपों को, बिच्छुओं को रोने के अधिकार दिया है। God give you authority to trample over serpents and scorpions. शैतान की सामना करो, वो भागेगा। एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग जाएंगे। They may come to in one direction, but they'll flee from in 7 directions. गलती से भी एक रास्ते से आएगा, उसके लिए वो 7 रास्ता बना के भाग गया। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? गलती से वो एक रास्ता में भटकते हुए आएगा ना, आपको देखेंगे ना, 7 रास्ता बना के भाग जाएंगे। My God. Even by mistake, if he comes near you in one direction, you will have to look out for 7 directions and flee from him. ये प्रभु का वचन है। जोर से बोला, आप जहाँ निकलेंगे 7 रास्ता।
आप जहाँ निकलो उधर सात रास्ता रास्ते से वो भागे, इसलिए हर रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, I always say, जहाँ मैं निकलूंगा 10,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 10,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, it's very funny शैतान सच में फनी करके आपको फनी कर दिया, आज उसकी ऐसी की तैसी. Yes. Hallelujah. Amen. When you go out, you run away from me from seven directions. Amen. आपको claim करने का. You have to claim that. प्रभु का वचन लिखा है, वो एक मार्ग से आएगा और सात मार्गों से भाग जाएगा. God's word says, He'll come to you in one direction, but He'll flee from you. यीशु मसीह के पास भी आया. He came to Jesus also. तीन बार परीक्षा लिया. Three times He tested Jesus. यीशु मसीह ने वचन से उसे भगा दिया. But with the sword of spirit, the word of God, He cut him off. आज जब शैतान गया तो दूत लोग उतरा यीशु की सेवा करने. Angels came to minister to Jesus. आज दूत लोग आपके साथ हैं. Now angels will come to minister to you. आपको उन्नति और आशीष देने के. Give you prosperity and victory. कितने लोग विश्वास करें? How many of you believe that? आत्मिक दुनिया दिखता नहीं पर आशीष आता है भाई. We don't see the spiritual world, but the blessing come. शैतान की सामना करो वो भागेगा. Blesses the devil, he flee from you. वो एक रास्ते से आएगा पर सात रास्तों से भाग जाएगा. He come to you in one direction, but he flee from you in seven directions. अगर आप खोया है, सात गुना प्रभु आपको देने वाला है. Whatever you have lost, you're going to get restoration of sevenfold back. आपने किसी को पैसा दिया वो कभी two people who have given money to somebody. लाखों रुपया दिया है. Given lakhs of rupees. वो दे रहा नहीं. They're not giving back. प्रभु आपको सात गुना देने वाला है. God going to give you sevenfold back. Amen. लिख के रखो. Write it down. और मांगो प्रभु से. And ask the Lord. यीशु मसीह के नाम से घोषणा करो. In Jesus name declare the sevenfold is coming. Angels. Release angels. ताकि वो जाकर आपके पैसे. Get your money back. जो पैसा लिया उसकी रातों की नींद को हराम कर देंगे. Those who have taken your money, God will terrify them. आप नहीं जानते आप कौन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. You do not know who the God you're serving. वो स्वर्ग धरती का मालिक है. He is the maker of heaven and earth. वो आपके साथ खड़ा है. He's standing with you. तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? Who can be against you? कोई भी नहीं. No one. इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे. पास्टर सुनने में प्रार्थना में अगुवाई करे. Hallelujah. Hallelujah. Wasn't that a wonderful word? ये अद्भुत वचन था. Do you know God is always with you? परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ हमेशा है. Hallelujah. One day one of our servant और हमारे एक काम करने जो हमारे साथ काम she told I'm going to native place. मैं गांव जा रहा हूँ. But every time I go there, there are always snakes coming in our house in the night. और वो जब भी गांव जाते तो उसके घर के आजू बाजू से सांप निकल आते. And there would be bad dreams. और बुरे सपने देख सपने देख. She would be so afraid. और इससे वो बहुत डर गया था. So what shall I do? वो मैं क्या करूँ उधर? She came to us. We blessed. We told, take this oil and water. Take it and put it, sprinkle it all over your house. और हमने पानी और तेल को प्रार्थना करके दिया और बोला जाके घर में सारे और लगाओ. And she went to the native place. और वो उस गांव में गया. And she came back very happy. आप बहुत ही खुशी वापस आए. You know what happened? क्या हुआ? So the first day I came, I put all over my house. I opened the windows, doors, everywhere I put. Outside also I put. Do you know what happened? There was five in the night. I could see all light everywhere. और जब मैं गांव गया वापस, वो तेल और पानी को घर में पूरा घर के बाहर पूरा डाल दिया और हम देखा रात को परमेश्वर की ज्योति आजू बाजू में था. And after that, no snakes, no serpent, nothing comes into my house. और फिर उसके बाद उस दिन के बाद कोई सांप कोई जिगर उसके घर में आए ही नहीं. I slept so peacefully. हम बहुत शांति से सोया. Hallelujah. Hallelujah. See, the enemy may come to in one direction, but flee in seven direction. और शत्रु दुष्ट शत्रु शैतान आपसे आपके पास एक रास्ते से आएगा पर सात रास्तों से भाग जाएगा. There was a time in our life when we received a particular persecution. We deny persecution, but once a persecution had come because one of a young servant was going to take water baptism. हमारे घर में एक काम करने वाला जो लड़की था वो बपतिस्मा लेना चाहता था उसके विरोध अनेक लोग हमारे and many people came against, you know, big tea cars and they came around 25. Very strong people came against us. 25 लोग हमारे विरुद्ध उठ के आए. We had to go to the police station. और हमें पुलिस स्टेशन जाना. They complained against us. अब वो हमारे विरुद्ध कंप्लेन किया था. We sat there and apostle told us. और हमने उधर बैठा. Apostle told us don't do anything, just pray in tongues calmly. और हमने बोला कि कुछ मत करो सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना. So that girl child and us and my husband, we all started praying in tongues. अब वो लड़की हम लोग परिवार होकर
अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। And the police were questioning us, and we could see the 25 people came. First they came to our society, they marched round and they told everyone that they are converting people, and they came to the police station, you know, surrounding us and showing big eyes. और पहले वो 25 लोग हमारे घर में सोसाइटी में आया, सबको बोला ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर पुलिस स्टेशन आया। Hallelujah. And after some time, as we're praying in tongues, one by one, everyone left. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, हर व्यक्ति एक एक करके छोड़ गए। And only the leader was left. और सिर्फ वो लीडर बच गए। And apostle went near the leader, started praying in, got told to pray in tongues before him. और उस व्यक्ति जो लीडर था, he went to wash his hands. अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। He went to the sink to wash his hands. और वो हाथ धोने के लिए कोना में एक जगह गया। Apostle went near him and started praying in tongues. और मैंने जाके उसके सामने अन्य भाषा में प्रार्थना की। What happened? क्या हुआ? The man was so terrified. और इतना वो डर गया। And to make the story short, we could share the gospel with that leader. और उस लीडर के साथ हमने सुसमाचार बांटा। He was happy. He said, if I stay for some more time, I too will become a Christian. और अगर हम थोड़ा देर और रहेगा तो मैं भी विश्वासी बन जाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. They come to you in one direction, but they flee from him in seven directions. वो एक रास्ते से तो आएंगे, पर सात रास्तों से भाग जाएंगे। And many are going to receive Jesus into their life because they came against you. और आपके विरुद्ध उठने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, क्योंकि आपके विरुद्ध। Whoever encounters you encounters God. आपके विरोध करने वाला आपको नहीं, परमेश्वर का विरोध करेगा। And God will encounter them. परमेश्वर उनका विरोध हो जाएंगे तो यीशु को पक्का वो जानेंगे। No one can touch you. कोई भी आपको छू नहीं सकता। Share the gospel boldly. इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार धैर्य के साथ बांटो। In the last days, the gospel has to go with fire. और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के सुसमाचार आग से जाने पाए। And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। If you are afraid of witchcraft or anything, जादू टोना मंत्रवादी किससे भी डरा है? Like people come and tell us, oh, they're throwing lemons. और वो कहते हैं कि What shall we do? वो नींबू काट काट के भेजे फेंक रहे हैं। We tell them, please make lemon juice and drink it. और फिर यीशु मसीह के नाम से लेमन जूस को बनाइए और पीजिए। Bless it and drink it. और उसे आशीष करिए पीजिए। The word of God says, no weapon formed against you can prosper. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी हथियार आपके विरुद्ध उठा वो सत्यनाश हो जाएंगे। In one of the days, near the window, somebody cut a pigeon's head and put it on round our window. और हमारे खिड़की के पास किसी ने एक पिजन के सर काट के उधर रख, कबूतर के सर को काट के रख दिया था। We took the water and blessed it. Thank you, Jesus. Thank you. Bless. और हमने पानी डालकर उसे आशीष किया। Hallelujah. Don't be afraid of anything. कोई भी बात से डरो मत। When God says and no, nothing will come against you, then nothing will come against you. परमेश्वर का वचन कहता है आपके विरुद्ध कुछ उठ ही नहीं सकता, तो कुछ उठ नहीं। Do not fear. एक ही बात, डरो मत। Because the devil uses fear to pull you down. और जब शैतान आपको डर से, आप डरेगा तो डर से सताएगा। And what fear does? It opens door like it did to Job. आयुब के जीवन में जैसा दरवाजा खुला डर के वजह से, उसी तरह आपके जीवन में खुला। No matter what thoughts the devil brings, you said, I am not going to fear. आप कुछ भी आपके मन में विचार लाने दे, आप बोलो मैं डरूंगा नहीं। Stand for God and you will see great victory. परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाइए और प्रभु आपको विजय दे। Psalms 46:10 says, be still and know that I am God. 46 उसका 10 में भजन संहिता में लिखा है, स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर। That's our God. वो हमारा परमेश्वर। Shall we look up to and pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank for this today's word of God. आज की वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। You filled us with boldness and confidence, O God. और boldness और confidence के साथ आपने भर दिया। We know we are not fighting the battle as Exodus 14:14 says, you fight the battle for us. निर्गमन 14 उसका 14 में लिखा, आप हमारे लिए युद्ध लड़ता है। 2 Chronicles 20:17 says, the battle is not mine but the Lord's. It belongs to the Lord. 2 Corinthians 2 उसका 20 कहता है, पर युद्ध मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है। And we will see the salvation of the Lord. आप परमेश्वर के उद्धार को हम पाएंगे। Thank for today's word of Father. आज के वचन के लिए धन्यवाद। We are bold hearted, stout hearted. और हम धैर्यशाली। The righteous are bold as a lion. नीतिमान एक योद्धा, शेर के समान योद्धा है प्रभु जी। Thank you Lord. धन्यवाद यीशु। Give you all the glory, honor, power. सारी महिमा, आदर, सम्मान तुझे दे। In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सबने कहा। Everyone said. Amen. आइए प्रार्थना करेंगे। Shall we make the final prayer and finish? स्वर्ग पिता धन्यवाद। Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस को हम नष्ट कर दे। We bind the spirit of coronavirus. महामारी को नष्ट कर। We destroy the power. इंडिया और वर्ल्ड को आजाद कर। We set India and the world free. तेरी महिमा इस देश में आने। Let your glory flow in this
Indian governments ko tere haath mein de. Bless the Indian government. Prime Minister, President. Prime Minister, President, Chief Minister. Sare logo ko tu aashish. Lord bless everyone. Unhe swargiya gyan aur buddhi. Give them heavenly wisdom and knowledge to rule India the country. India ko tere haath mein deta. We give India Jammu into your hands. Jammu to Kanyakumari. Bengal se leke Gujarat. Bengal to Gujarat. Har vyakti Yeshu ko jaane. Everyone will know Sati Jesus. Ko jaane aur satya se azaad. We know the truth and the truth will set us free. Prabhu ji, aap hi is desh ka prabhu hai. You are the Lord of this. Aap hi rajaon ka raja hai. You are the King of kings. Aap prabhu ka prabhu hai. The Lord of lords. Tu kaari kar. You work, Lord. Aap mahima kar. And glorify. Sari mahima aapko mile. We give you all the glory. Sari hospitals. We give the hospitals, doctors, nurses. Doctors, nurses. परमेश्वर कलीसियाओं को तू आशीष ब्लेस ऑल द चर्च प्रभु के दासों को तू आशीष ब्लेस ऑल द सर्वेंट्स उनके परिवार और बच्चों को तेरे हाथ में वी गिव ऑल देयर फैमिली एंड चिल्ड्रन इन योर हैंड्स उन्हें भरपूरी कर Lord bless him abundantly. कोई व्यक्ति किसी पास्टर के विरुद्ध खड़े ही नहीं हो सकता. No person can stand against हम any pastor. दूतों को आजाद करते हैं हर पास्टर के. Angels for every pastor. हर पास्टर के लिए दूत लोग तैयार हैं. Lord for every pastor, angels are ready. क्योंकि आप उनके बालों को गिन के रखा है. You have numbered their hairs too. उनके बच्चों को तू आशीष. Bless their children. उनके परिवार को तू आशीष. Bless their family. उनकी कलीसियाओं को तू आशीष. Bless their ministry and churches. जिम्मेदारी आपने दिया. The responsibility you have given them. हम उसे अच्छी तौर से निभाओ. To fulfill all the obligations. पवित्र आत्मा हम दासों को तू मदद कर. Lord bless all our servants. इन तीन दिनों में तेजो में सेवकाई करने के. This day, last day, they'll be glorified. प्रभु यीशु मसीह आप. Radiant ministries. तेजस वाला कलीसिया को उठाने आ रहे. So you're coming for a transfigured and a glorified bride. हम सब को तैयार करें और खुद को तैयार करें. Lord, we want to prepare our own self and prepare others. हम आगमन में जाना चाहते हैं. We want to go with you in your coming. Rapture में उठा लिया जाना चाहते हैं. We want to come in your go in your raptures. हम छूटने वाला नहीं. We are not going to be left behind. यीशु हमारा प्रभु है. Because God Jesus is our Lord. सारी महिमा तुझे देता हूँ. Give you all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ. In Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण कर. Hear and answer. और सबने कहा. Everyone said. Amen. Amen. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते हैं. Every morning we come at 7. कल स्पेशली सैटरडे है. Tomorrow we're going to have a special prayer. Saturday. Every Saturday we have. जो भी आपकी विषय लिखिए. Whatever is your request, please write it down. इस वेदी पर हम जो भी लेके आएंगे. Put it in this altar. प्रभु यीशु से उत्तर देगा. God will answer us. अनेक लोग गवाही दे रहे. Many people are giving testimonies. प्रभु आशीष करे. Bless all of them. अगर आप इस प्रोग्राम से आशीषित हैं. If you're blessed by this program. आप शेयर करिए, कमेंट करिए. Share it, comment. गवाही बनिए. And be a witness. पिता परमेश्वर का प्रेम. And the love of God. यीशु मसीह के अनुग्रह. Grace of Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा के सम. Fellowship of the Holy Spirit. हम सबों के साथ. Be with all of us. यीशु के बादलों में आने तक. Till the coming of the Lord Jesus Christ. Be with us. और सब ने कहा. Everyone said. Amen. Amen. Amen, amen, amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय.